कराची सिटी रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए थे, लेकिन एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपको मैं उसकी एंट्री दिखा नहीं सका। अस्सलामुअलैकुम, आज है 14 अक्टूबर सन 2022 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में, और स्पेसिफ़िकली बताऊँ तो कराची के एक सब स्टेशन या लोकल स्टेशन आप कह लें, मलिर कॉलोनी। मेरी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्त हैं इस रेलवे स्टेशन से, क्योंकि ये मेरे होम टाउन का स्टेशन है और बचपन में इधर मैं आया भी करता था बहुत ज़्यादा, तो इधर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ एक चीज़ देखकर दुख होता है कि इस रेलवे स्टेशन के दोनों अतराफ़ में लोगों ने गारबेज डंप बना दिया है, तो जिससे माहौल ख़राब होता है, गंदा होता है और बहुत ही अजीब सी स्मेल फ़िज़ा में फैली रहती है। बहरहाल, अगर हम चाहें तो ये साफ़ भी हो सकता है, तो इस पर थोड़ा सा हम सबको भी ध्यान देने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी। मैं इस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था तकरीबन 7:10 पर, और मुझे बोर्ड करना है KCR डाउन ट्रेन पे, यानी KCR पे मैं बैठूंगा जो कराची सर्कुलर रेलवे की ट्रेन है, और उस पर बैठकर मलिर कॉलोनी से पहले कैंट स्टेशन, सिटी स्टेशन और फिर आखिरी जो स्टेशन है औरंगी का, वहां तक मैं जाऊँगा। और आज इस सफ़र की वजह आपको बता दूँ कि काफ़ी अरसे बाद मैं अपने होम टाउन कराची आया हूँ। जैसा आपको पता ही है कि मैं अब लाहौर में शिफ्ट हो गया हूँ कुछ सालों से, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ कराची की, उनमें KCR की ट्रेन भी है। एक वजह इसकी जो लाइब्रेरी है, मतलब इसका जो कलर्स हैं, जो वाइट और ब्लू कलर की लाइब्रेरी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और मेरी कोशिश होती है कि जब भी आऊँ इसमें एक सफ़र ज़रूर करूं। और दूसरी चीज़ जो मैं मिस करता हूं कराची की लाहौर में, वो है फूड। कराची का फूड मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि एक डाइवर्स सिटी है, यहां पे पूरे मुल्क के जायके आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल फूड है, जैसे बिरयानी, कौरमा वगैरह, वो बहुत ही बेस्ट होता है कराची का। तो पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से एक बिरयानी का बहुत ज़्यादा सुन रहे थे कराची में, और उसका नाम है जुम्मा बिरयानी। तो उसकी ख़ासियत यह है कि सिर्फ जुम्मे के जुम्मे मिलती है वो, आज भी जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो वो ट्राई करने के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि रेल फैन होने के नाते मैं जा रहा हूँ ट्रेन पर, तो ट्रेन पर जा रहे हैं जनाब बिरयानी खाने। अभी तो मैं फ़िलहाल अकेला हूँ, लेकिन मुझे एक फ्रेंड ज्वाइन करेंगे ड्रिग रोड जंक्शन पर, तो जब ट्रेन में सवार होते हैं तो उनसे भी वहाँ जाकर मिलते हैं। अब इंतज़ार है KCR डाउन ट्रेन का, देखते हैं कब तक आती है वो। 7:50 हो रहे हैं और 4712 GMU 30 के साथ KCR डाउन ट्रेन आ गई है मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर, और जैसा आप देखें वाइट और रेड और ब्लू लाइब्रेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं बैठूंगा दूसरी कोच में, सवार
हो गया हूँ मैं ट्रेन में और सफ़र भी शुरू हो चुका है। मलीर कॉलोनी से मुतसिल ही मलीर हॉल्ट का रेलवे स्टेशन है और अब इसका नाम मलीर कॉलोनी कर दिया गया। हमारे बचपन में इसको मलीर हॉल्ट कहा जाता था। बहरहाल यहाँ से एक लाइन जाती है मलीर कैंट की तरफ, लेकिन बंद है वो आजकल। बहुत कोशिशें तो की जा रही थी कि उसको चला दें दोबारा से, लेकिन अभी तक चल नहीं सकी है उस पर लोकल ट्रेन। सामने शारे फैसल चल रही है। सुबह का वक्त आपको पता ही है, पहले बहुत ज़्यादा ट्रेन्स होती थी डाउन की और अप में भी अवाम एक्सप्रेस वगैरह आती थी, लेकिन जब से फ्लड आया है सिंध में ट्रेन सस्पेंड हुई हैं, उसके बाद से बहुत सारी ट्रेन्स बंद हैं, इसलिए अब सुबह के वक्त वो रौनक नहीं होती है। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन आ गया है और यहाँ पर 151 अब शालतीफ एक्सप्रेस से मुलाकात हुई है जनाब। शालतीफ एक्सप्रेस कराची से मीरपुर खास के लिए चलती है और आपको ये बता दूं कि धाबेजी तक ये एज अ लोकल ट्रेन ही चलती है और बाद में आगे ये शालतीफ एक्सप्रेस कहलाती है। दोनों ट्रेन्स एक साथ रुकी हैं और एक साथ ही रवाना हो रही हैं, ज़बरदस्त। वालेकुम सलाम। ज़बरदस्त एयरपोर्ट का ये रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट इधर से वैसे तो काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी किसी ज़माने में ये स्टेशन यूज़ हुआ करता था। अब सिर्फ इधर लोकल ट्रेन रुकती है। अब अगला रेलवे स्टेशन आएगा ड्रिक कॉलोनी जंक्शन का, तो उसे देखते हैं। ड्रिक कॉलोनी जंक्शन पहुंच गए जनाब। ड्रिक कॉलोनी जंक्शन जो है ये शाफसल कॉलोनी से मुतसल रेलवे स्टेशन है और वहाँ की आवाम ज़्यादातर इस ट्रेन में सवार होती है इस स्टेशन से। ड्रिक कॉलोनी जंक्शन से रवाना हो गए हैं। अब आपको थोड़ा सा केसीआर के बारे में भी बता दूं। केसीआर कराची सर्कुलर रेलवे बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है ये, और बीच में ये बंद भी हो गया था, कई सालों तक कोई ट्रेन नहीं चला करती थी। अभी भी ये पार्शली रिस्टोर्ड हुआ है और इसका जो मेन लाइन सेक्शन है वो फुली रिस्टोर्ड है, और उसके बाद जो सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है वो सिर्फ कराची सिटी स्टेशन से लेकर और औरंगी स्टेशन तक ऑन है। बाकी जो इसकी लूप बना करती थी ड्रिग कॉलोनी जंक्शन से और ड्रिग रोड जंक्शन से और कराची यूनिवर्सिटी और गिलानी रेलवे स्टेशन यहाँ से होती हुई औरंगी से मिलती थी, वो सेक्शन अभी बंद है। टोटल 4 ट्रेन्स चला करती हैं केसीआर की। अब 2 सुबह हैं 2 शाम में, और इनमें से जो 2 ट्रेन्स हैं वो शालतीफ एक्सप्रेस में जम हुई हुई हैं, जो केसीआर 1 अप है और केसीआर 4 डाउन। ये शालतीफ एक्सप्रेस में जम है, जबकि केसीआर 2 डाउन और 3 अप ये औरंगी रेलवे स्टेशन तक जाती है। स्क्रीन पर मैं कोशिश करूंगा कि इनका टाइम टेबल भी मेंशन कर दूं। अब आ रहा है ड्रिक रोड जंक्शन और यहाँ से सवार होगा मेरा रेल फैन दोस्त नौमान। बहुत ही ज़बरदस्त रेल फैन है, बहुत यंग है, एंथुजियास्टिक है, उससे मिलते हैं। ड्रिक रोड जंक्शन पर बहुत ही स्पीडी एंट्री मारी है GMU-30 ने। जाहिर सी बात है लोड बहुत कम है, बहुत ही कम कोचेस के साथ, तो
नुमान साहब आ गए जनाब। चले नुमान आता है तो इससे मिलते हैं। नुमान पहुंच गया, इससे मिलते हैं भाई। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। मुझसे पहले ही तुम ट्रेन में चढ़ गए हैं। चलो, जगह भी नहीं है, माशाल्लाह फुल जा रही है। मुझे जैसे कि बताया था मोहसिन ने, फुल बड़ा फुल जाती है कि ये सिर्फ सिटी तक फुल है, आगे खाली हो जाती है। बाकी आज इंशाल्लाह हमारा ट्रैवल अच्छा होगा। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं सचान भी। केसीआर में तुमने ट्रैवल नहीं किया? नहीं किया, मैं औरंगी तक नहीं गया कभी। तो आज इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ये जर्नी। डिपार्चर यार्ड रेलवे स्टेशन, ट्रेन रुक चुकी है। और ये आपको टिकट भी दिखा दूँ, 50 रुपये का टिकट है इसका। आप बेशक जिस स्टेशन तक जाएं, आपको 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और जैसे आप लोगो देख सकते हैं, ये एस जमील एंड कंपनी, इनके पास है इसकी कमर्शियल मैनेजमेंट। अच्छा, जो लोग रेगुलर सफ़र करते हैं उनके लिए एक और कंसेशनल फेयर या मंथली पास भी है, जो कि 1500 रुपये में अवेलेबल है। और आप इसमें मतलब अनलिमिटेड जर्नीज़ कर सकते हैं। एक दिन में वैसे दो ही मैक्सिमम जर्नीज़ बनती हैं, तो अगर आप ऑफिस गोइंग हैं और सुबह भी और शाम भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो ये आपको समझें तकरीबन आधी कीमत में पड़ जाता है। तो ये मैंने कहा कि आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। कराची कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गए, और टाइम एक मिनट में अपने मोबाइल में देख के बताता हूँ। 8:24 हो रहे हैं और काफ़ी रश मौजूद है इधर उतरने के लिए। ये कराची कैंट और कराची सिटी मेन स्टेशन हैं जहाँ पर केसीआर के सबसे ज़्यादा मुसाफिर सफ़र करते हैं। कराची कैंट स्टेशन बहुत ही अरसे बाद मेरा चक्कर लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आया था मैं ड्रिग रोड पे या लांडी पे ही उतर जाता था। तो जनाब बड़ा अच्छा लग रहा है आज कैंट स्टेशन देखकर। फाइनली कराची कैंट रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर गए, और नेक्स्ट स्टॉप होगा कराची सिटी रेलवे स्टेशन का। ये रेक इधर काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं, आजकल ट्रेन्स बंद हैं तो रेक्स को कहीं ना कहीं तो पार्क करना ही है ना। कराची द सिटी ऑफ लाइट्स, बेशक कोई शक नहीं है इसमें। कैंट रेलवे स्टेशन और सिटी रेलवे स्टेशन के दरमियान एक अबेंडेंड स्टेशन भी आता है, हम्पी यार्ड। वो अभी आपको मैंने कोशिश की दिखाने की। कुछ ही देर में सिटी रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, और यही वो रेलवे स्टेशन है जहां आप कह लें कि मेन लाइन ख़त्म हो जाएगी और फिर हमारा जो सर्कुलर लाइन है उस पर सफ़र शुरू होगा। सिटी रेलवे स्टेशन के साथ ही जो कराची का कमर्शियल रोड है, जिसे आईआई चंडीगढ़ रोड है कहते हैं, वो मौजूद है। और बहुत सारे दफातर वहाँ पर मौजूद हैं। यही वजह है कि केसीआर में जो सुबह की ट्रेन है उसमें काफ़ी रश होता है वहाँ जाने वालों का।
कराची सिटी रेलवे स्टेशन के यार्ड में हम दाखिल हो चुके हैं। भाईजान बड़ा यूनिक एक्शन आपको मिलेगा राइट साइड पे। एक रेक यहाँ से आ रहा है और आई थिंक ये 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस का रेक है, क्योंकि वो मैनेज कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर होता है। GMU 34717 लीड पर है इसकी। भाई कितनी कोचेज हो गई हैं ये गिनी है। नमान भाई ये रहमान बाबा का तो नहीं है रे? रहमान बाबा है, वो वनम जी जैसा कि आपने बताया था। तो इसमें एसी कोचेस का है वहाँ से लग रही होगी क्या? नहीं आई थिंक ये कोई और रेक है। झुलकर ना ये यहाँ पे बहुत होती है रहमान बाबा, अब मुझे बहुत ही कहीं से लग रही है। बहरहाल ये जो भी ट्रेन थी नॉट श्योर रहमान बाबा है या नहीं, हमें लगा था कि वो है लेकिन शायद वो नहीं है। फोर सेवन वन फोर भी रवाना हो रहा है जनाब। बुलंदो बाला आई आई चंद्रगढ़ रोड की बिल्डिंग्स के साथ साथ होते हुए हम कराची सिटी रेलवे स्टेशन में अब एंटर हो रहे हैं। सामने जो हरे शीशों वाली इमारत है ये एमसीबी बिल्डिंग है, और वो दूर जो वाइट कलर की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है इससे तो आप बखूबी वाकिफ़ ही होंगे, ये हबीब बैंक प्लाजा है और किसी ज़माने में ये पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत हुआ करती थी। जो एक्सप्रेस ट्रेनें सिटी स्टेशन से चलती हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 और 1 पे लगती हैं, लेकिन जो KCR ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाएगी, क्योंकि इसे यहाँ से आगे जो सर्कुलर ट्रैक है उस पर जाना होता है। कराची सिटी रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए थे लेकिन एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपको मैं उसकी एंट्री दिखा नहीं सका। हुआ ये कि जैसे ही ट्रेन एंटर हो रही थी प्लेटफॉर्म पे, तो एक ट्रेन के खिड़की के साथ ही एक बहुत बड़ा दरख्त था, उससे मेरा गोप्रो टकराया है, और जो उसकी मीडियम माउंट का विंड शील्ड है जो फॉर्म होता है वो टकरा के कहीं गिर गया। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ख़ास तौर पर ट्रेन जर्नी में, क्योंकि वरना विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। बहरहाल मैं फिर चलती ट्रेन से उतरा कि उसको ढूंढ लूं, लेकिन वो नहीं मिला। स्टॉप भी इधर कम है, तकरीबन 4-5 मिनट ही बनते हैं, तो बहरहाल वो नहीं मिला। खैर है ये तो पार्ट है, अब व्लॉगिंग में इस तरह तो होता है। खैर अब कराची सिटी स्टेशन से रवाना हो रहे हैं और अब सर्कुलर जो ट्रैक है वो शुरू हो जाएगा, तो अब उसकी करते हैं कवरेज। आवाज़ में जो थोड़ी बहुत अब विंड आएगी उसके लिए पेशगी आपसे माजरत है। कोशिश करूँगा कि जल्दी इस फॉर्म को रिप्लेस करूँ या दूसरा लूँ। इस वक्त हम गुजर रहे हैं जो
टावर का इलाका है वहाँ से, और टावर के साथ ही जो ब्रिज है उसके नीचे से ट्रेन गुजर रही है। अब जो सर्कुलर लाइन है इस पे मैक्सिमम जो स्पीड है वो बहुत कम है और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन चलती है। अब आपको थोड़ा सा जो सर्कुलर लाइन है उसके बारे में बता दूं। ये मैप बना हुआ है सर्कुलर लाइन का। इस वक्त हम कराची सिटी से रवाना हुए हैं। अगला जो स्टेशन है वो केपीटी, कराची पोर्ट ट्रस्ट, फिर वज़ीर मेंशन, लियारी, बल्दिया, शाब्दुल लतीफ़ साइट, मंगोबीर और फिर औरंगी। ये लास्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ तक ये सर्कुलर लाइन अभी बहाल है। जबकि जो आगे के स्टेशन हैं नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, गिलानी, उर्दू कॉलेज, कराची यूनिवर्सिटी, डिपो हिल और ड्रिग रोड, ये जो सेक्शन है ये बंद है। यहाँ पर अभी कोई ट्रेन नहीं चलती, यानी औरंगी से लेकर ड्रिग रोड तक जो सर्कुलर लाइन है वो अब काम नहीं कर रही है। बहुत सालों से बंद है और हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं कि ये दोबारा से बहाल होगी, लेकिन कब इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। सिटी स्टेशन पर ट्रेन भी मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी है। अब इसे मुसाफिर ना होने के बराबर है। शायद आप कह लें कि इक्का दुक्का मुसाफिर ही सफ़र कर रहे हैं, और उसकी वजह भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। केपीटी रेलवे स्टेशन पहुँच गए, वहाँ पर ट्रेन अभी रुकी हुई है। ट्रैफिक गुजर रहा है, गेट नहीं बंद अभी। जैसे ही ये गेट बंद होगा उसके बाद ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। GMU 34712 की बहुत ही ज़बरदस्त डीजल साउंड। चलें जी, गेट बंद हो गया और ट्रेन भी रवाना होने लगी है। चलते हैं, बैठते हैं अपनी कोच में। ये क्या तरीका है चलती ट्रेन में? गेट्स प्रॉपर बंद नहीं हुए फाटक के, लोग वॉलंटरी तौर पे रुक गए। हाँ जी, केपीटी स्टेशन से चलने के बाद अब हम केपीटी के एरिया में दाखिल हो गए थे, और ये थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर वीडियोस बनाने की ममानियत है, कुछ लोग छुप छुपा कर बना लेते हैं वीडियोस, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ देर पहले मैं आपसे ये ज़िक्र कर रहा था कि इस रूट पर सवारी क्यों नहीं है। तो जनाब, इसकी वजह ये है कि अब रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ज़माना है। सर्कुलर रेलवे किसी ज़माने में चला करती थी, ठीक थी, अच्छी थी, ट्रैक की कंडीशन भी बेहतर थी, लेकिन अब जो है वो ज़माना फास्ट हो गया है बहुत ज़्यादा, और इस जो टेक्नोलॉजी है आप कह लें ये कन्वेंशनल रेलवेज़ को मॉडर्न रेलवेज़ से बदलने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चली है, बहुत ही फास्ट मेट्रो ट्रेन है, उस तरह की ट्रेन इधर भी होनी चाहिए। तो वो अगर होगी कराची में तो जाहिर सी बात है बहुत लोग उस पर सफ़र भी करेंगे, और वो मतलब जल्दी जल्दी आया करेगी, मतलब कि हर 5 मिनट बाद। अब ये KCR का सिर्फ एक ट्रिप है दिन में, एक अप का एक डाउन का। दूसरी ट्रेन ऑलरेडी शाह लतीफ़ के साथ मर्ज हुई हुई है, तो कह लें कि ये एक वजह है कि अब लोग इसको नहीं यूज़ करते। वो कहते हैं कि मैं बस में जो है जल्दी पहुंच जाऊंगा, क्यों मैं जो हूँ सर्कुलर रेलवे पे सफ़र करूं। बहरहाल अब वज़ीर मेंशन स्टेशन आ गया है, और आपको बता दूं कि वज़ीर मेंशन रेलवे स्टेशन
अपनी फ्रेट वर्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर फ्रेट की बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है, कंटेनर ट्रेन्स की लोडिंग अनलोडिंग यहाँ पर होती है। वज़ीर मेंशन रेलवे स्टेशन की बस एक बिल्डिंग है छोटी सी। डिपार्चर विसल भी हो गया है, रवाना होने लगी है ट्रेन। चलें दोबारा बैठ जाते हैं। अगला रेलवे स्टेशन होगा लियारी का, तो वहाँ पर मिलते हैं। लियारी का नाम लिया है तो साथ ही सामने रोड के दूसरी तरफ एक फुटबॉल ग्राउंड भी नज़र आ रहा है और ये लियारी फुटबॉल ग्राउंड ही कहलाता है। इस वक्त लियारी स्टेशन के आसपास हैं और जो सिटी लाइफ है यहाँ की इस इलाके की वो आप फ्रेम में देख सकते हैं। थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड इलाकों में शुमार होता है इसका। और हमारी तो ख्वाहिश यही है कि कराची का हर इलाका इक्वली तौर पर तरक्की करे। गवर्नमेंट को भी इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। लियारी रेलवे स्टेशन पहुंच गए और स्टॉप किया। अब थोड़ी देर का ही स्टॉप होगा, फिर आगे रवाना होंगे। केसीआर के स्टेशंस की देखभाल भी ना होने के बराबर है, ये भी एक और वजह है जो आम पब्लिक को सफ़र करने से रोकती है। सेक्शन पे ज़्यादातर जो स्टेशंस हैं ख़ास तौर पर सर्कुलर लाइन के, जैसे मैंने अभी ये लियारी स्टेशन पर भी देखा, इनको ड्रग एडिक्ट्स ने अपना गढ़ बनाया हुआ है। इस सामने सारे बिल्डिंग के अंदर भरे हुए हैं ड्रग एडिक्ट्स और अपना जो कह लें कि फ़्लाइट की तैयारी कर रहे हैं। हमारी फ़्लाइट भी उड़ गई है। अब अगला स्टेशन होगा बल्दिया का, तो वहाँ पर मिलते हैं। दरियाए लियारी पर से इस वक्त गुजर रहे हैं। दरियाए लियारी से मेरा मुराद लियारी नदी है। आधे शहर का जो ड्रेनेज वाटर है वो लियारी नदी के ज़रिए ही कह लें ट्रैवल करता है। बल्दिया रेलवे स्टेशन पहुंच गए और मेरे ख़्याल में सर्कुलर जो लाइन है उसका ये एक साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है, कदरे बेहतर है ये बाकी रेलवे स्टेशन से। सर्कुलर रेलवे का ये एक बहुत ही लंबा कर्व है, यहाँ से शुरू होता है और इस इलाके से तो आप बखूबी वाकिफ ही होंगे। जब कभी हॉक्स बे वगैरह जाना होता है तो इस रोड से जाते हैं। ये माड़ीपुर वाला रोड है। बहुत ही ज़बरदस्त कर्व है ये और बड़ा अच्छा नज़ारा नज़र आता है इस कर्व पे। बारिशों के बाद ये वेजिटेशन भी हुई हुई है। कंटिन्यूस विस्लिंग हो रही है इधर जनाब। आज ही फॉर्म गिरा है मेरा भाई।
जबरदस्त। शाह अब्दुल लतीफ़ रेलवे स्टेशन, और हार्डली इधर स्टॉप किया है, कुछ ही सेकंड्स का अब दोबारा रवाना होने लगे। स्टेशंस की हालत ज़ार आपको नज़र आ ही रही होगी, देखकर अफसोस भी होता है। अब जाहिर सी बात है, इस तरह की सफ़री सहूलियात होंगी तो मतलब लोग अपनी इसको लास्ट प्रायोरिटी पर ही रखेंगे इस इन हालात में सफ़र करने का, जबकि अब मॉडर्न बसेस वगैरह अवेलेबल हैं। ट्रेस पासिंग भी इधर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए विसलिंग कंटिन्यूस करनी पड़ती है इधर। अगला रेलवे स्टेशन है साइट का, दोनों अतराफ में फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर। गेट अभी तक बंद नहीं है, इस वजह से विसलिंग कर रहे हैं ड्राइवर साहब, और गेटमैन को कह रहे हैं भाई गेट बंद करो। गेट बंद हो गया जनाब, अब दोबारा से थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली है। ये सामने जो फैक्ट्री है या बिल्डिंग है, यही सुजू गंधारा इंडस्ट्री लिमिटेड है। अंदर काफ़ी सारे ट्रक्स भी नज़र आ रहे थे खड़े हुए। कुछ ही देर में साइट रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। मिट्टी भी उड़ने लगी है इधर। साइट रेलवे स्टेशन आ गया जनाब, और जो शेड है जिसके नीचे बेंचेस वगैरह लगी हुई हैं वो बिल्कुल पीछे रह गया, और ट्रेन आगे की तरफ निकल गई है। सिर्फ एक एक दो दो सिर्फ बहुत ही कम सेकंड्स के लिए, मेरे ख़्याल में 10 सेकंड से भी कम का ही स्टॉप इधर कर रही है ट्रेन। जाहिर सी बात है जब सवारियां ही नहीं होंगी, लोग उतरने चढ़ने के लिए होंगे ही नहीं ट्रेन में, तो फिर इतने ज़्यादा स्टॉप्स का क्या ज़रूरत बनती है। मेरे ख़्याल में जो जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं सिटी से आगे, वज़ीर मेंशन पर तो खैर वर्किंग होती है, लेकिन उससे आगे जो भी स्टेशंस हैं उन पर अमला मौजूद नहीं है, क्योंकि टिकट भी जो है वो ट्रेन में ही मिलती है, तो इस वजह से जो बिल्डिंग्स हैं वो बंद पड़ी हैं, कोई भी स्टेशन मास्टर वगैरह यहाँ पर मौजूद नहीं है। सेकंड लास्ट स्टेशन मंगोपीर हम पहुँच गए, और मेरे ख़्याल में सर्कुलर रेलवे का ये वाहिद रेलवे स्टेशन है वज़ीर मेंशन के अलावा, जिस पर अभी भी जो साइड बोर्ड है मंगोपीर का वो मौजूद है। स्टेशन बिल्डिंग इसकी दूसरी तरफ है, और अभी दिखाता हूँ आपको। एक दफ़ा मैं इधर रेल फैनिंग के लिए भी आ चुका हूँ मंगोपीर रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ की जो बिल्डिंग है बड़े बड़े नीम के दरख्तों में घिरी हुई है। एक पुराना इधर फ्रेट का जो कह लें वैगन भी मौजूद है, तो सर्दियों में आया था पिछले साल की, काफ़ी यादें रिफ़्रेश हो गई। काफ़ी देर मैं बैठा रहा था ये सामने जो नीम के दरख्तों के नीचे बेंच है उस पर, और KCR का मैंने इंतज़ार किया था। ज़बरदस्त।
अगला रेलवे स्टेशन होगा अब औरंगी का, और औरंगी KCR जो अभी तक बहाल है उसका आखिरी रेलवे स्टेशन है, उससे आगे की KCR फ़िलहाल बंद है। देखें कब जो है वो खुलती है, कब KCR की किस्मत जागती है। वैसे तो सुनने में ये आया था, बल्कि सुनने में क्या, बाकायदा इफ्तिताह भी हुआ था पिछले साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि KCR को इलेक्ट्रिक ट्रेन जो की तर्ज पे हम अपग्रेड करेंगे और इसका जो ट्रैक है वो भी एलिवेटेड होगा, लेकिन अभी तक कुछ काम नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कि इवन के कोई हल्का सा पेपर वर्क भी नज़र नहीं आ रहा है कि आया कि वो होगा भी या नहीं। बहरहाल औरंगी रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा पहले ही एक नाला है, उस पर शायद जो ब्रिज बना हुआ है, दरख्तों से बचो भाई, वो वहाँ शायद कोई काम हो रहा है या फिर बहुत ही डेड स्पीड का कॉशन है, क्योंकि ट्रेन इधर रुक गई थी, लाल रंग का जो कपड़ा है वो लगाया हुआ था गैंगमैन से। बिल्कुल औरंगी रेलवे स्टेशन के साथ ही है ये ब्रिज, सामने औरंगी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी नज़र आ रहा है और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं औरंगी, लास्ट वर्किंग KCR रेलवे स्टेशन। बिलाल भाई इधर मौजूद हैं जिन्हें हम KCR का शहज़ादा कहते हैं। KCR की एक्सटेंसिव कवरेज बिलाल भाई ने की है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं? चलें अभी ट्रेन रुकती है तो फिर बिलाल भाई से मिलेंगे। आज हमने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि हम आ रहे हैं इधर, तो वो क्योंकि करीब ही रहते हैं तो स्पेशली वो आए अपना कीमती वक्त निकाल के, उनसे मिलते हैं। अच्छा, आपको एक मज़े की बात ये बता दूं कि इस स्टेशन का नाम औरंगी है, लेकिन ये औरंगी टाउन से बहुत ज़्यादा दूर है और असल में ये नाजमाबाद के इलाके में आता है। आप थोड़ा सा ही आगे प्लेटफॉर्म से चल के राइट साइड पे जो रोड है उस पर जाएँगे तो बहुत ही मशहूर एक निहारी की शॉप है, शायद अगर मैं नाम नहीं भूल रहा तो मुमताज़ निहारी नाम है उसका, वो मौजूद है। तो बेसिकली ये नाजमाबाद का इलाका है, औरंगी टाउन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं अपना टाइम पास करने के लिए, या फिर शायद वो भी रेल फैन है और ट्रेन को देखने के लिए आए हैं। चलें जी, फाइनली पहुंच गए औरंगी। औरंगी हम पहुंच चुके और इस वक्त मैं अब आ गया हूँ GMU 30 4712 की कैब के ऊपर। इंजन यहाँ से अपना कांटा तब्दील करेगा और फिर इसका वापसी का सफ़र शुरू होगा कराची सिटी और फिर कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक, वहाँ पर अपना रुख तब्दील करेगा और फिर शाम वाली ट्रेन को लेने के लिए दोबारा यहाँ पे आएगा। ये सामने गेट आपको नज़र आ रहा है ये बंद है अभी, यानी कि जो आगे सर्कुलर रेलवे है वो चालू नहीं है। खैर, अब हम भी इसी कैब में बैठकर वापस सिटी स्टेशन जाएंगे और आगे फिर हमारा जो आज का प्लान है वो कंटिन्यू होगा। वक्त बहुत कम था जिस वजह से बिलाल भाई से डिटेल में बात नहीं हो सकी। बहरहाल
फिर कभी उनसे मिल लेंगे डिटेल में। अभी भी वो वीडियो बना रहे हैं ट्रेन के डिपार्चर की, जो हमारे इंजन के, तो खैर है। डिटेल में मुलाकात नहीं हो सकी आपसे, जरूर। तो चलें, सफ़र तो आपने देख लिया है सारा, अब आपसे मिलते हैं कराची सिटी स्टेशन पर, फिर वहाँ से हम बाय रोड जाएंगे अपने उसी प्लान को कंप्लीट करने जिसके लिए हम आए थे, और वो है आज की मशहूर जुम्मा बिरयानी। तो चलें मिलते हैं सिटी स्टेशन पर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अभी आपको दिखा रहा हूँ वापस सिटी स्टेशन जाते हुए। अक्सर ये लोग सवाल पूछा करते थे कि भाई KCR जो ट्रेन है ये सिटी स्टेशन से आगे, वज़ीर मेंशन से आगे लाइन क्लियरेंस कैसे लेती है। तो जनाब ये आप देखें, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेलवे वर्किंग सिस्टम है जिसे वन इंजन ओनली सिस्टम कहते हैं। वज़ीर मेंशन से लेकर औरंगी तक सिर्फ ये वाला मेथड फॉलो होता है, और जब वज़ीर मेंशन से ये जो बैट नुमा चीज़ है ये ड्राइवर साहब को दे दी जाती है, और फिर उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो औरंगी तक जाएं। यहाँ पर सिर्फ एक ही गाड़ी होगी, सिर्फ एक ही ट्रेन होगी, और इसी तरह यही वापस आएंगे। सिर्फ अपने जो स्टेशन हैं वहाँ पर मुकर्रा जो स्टॉप्स हैं वहाँ पर रुकेंगे। फ़र्ज़ करें जैसे अगर एक मिनट का स्टॉप है या दो मिनट का स्टॉप है, वो स्टॉप करते हुए वापस वज़ीर मेंशन पहुँच जाएंगे, और वहाँ से फिर जो है दोबारा से प्रॉपर वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, वन इंजन ओनली सिस्टम। GMU 34712, बहुत ज़बरदस्त एक कैब राइड करने के बाद हम वापस सिटी स्टेशन पहुंच गए, और जहां पर मेरा कैमरे का फोम गिरा था वहां मैं जा रहा हूं दोबारा एक कोशिश करने कि शायद मेरा जो विंडशील्ड फोम है वो मिल जाए। तो चलें देखते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि भाई मिल जाए। ये वो बड़ा सा दरख्त है जो टकराया था मेरा कैमरा जिससे, और इस जगह टकराया था और यहीं कहीं गिरा था माइक। मैं उस वक्त भी आया था ट्रेन से, लेकिन उस वक्त शायद जल्दी जल्दी थी, मुझे ये डर था कि ट्रेन निकल ना जाए, उस वक्त तो नहीं मिला, लेकिन अभी आते साथ ही ये वाला पत्ता शायद था, इसके नीचे से मुझे ये मिल गया। ये बेसिकली जो GoPro का मीडिया मोड है उसका विंडशील्ड कवर है, ये इसके ऊपर लग जाए तो फिर जो हवा की नॉइज़ है वो कम हो जाती है। तो मैं तो कहूँगा कि ये एक मौजज़ा ही है, मिल गया। कितनी देर हुई है हमें इस पूरे सफ़र में, मतलब सुबह कितने बजे गिरा था तकरीबन? ये गिरा था तकरीबन 9 बजे। हाँ तकरीबन 9 बजे ये गिरा था, और अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी सुबह टाइम हो रहा है 11:10, 11:15 हो रहे हैं। 11:15 जी ये हमें मिल गया, तो तकरीबन 2 घंटे बाद मिल गया ये हमें, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र है। चलें अब चलते हैं सिटी स्टेशन से बाहर और अपना जो आज का प्लान है उसको कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, अब हम सिटी रेलवे स्टेशन से निकलकर अपने आज की डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में, कराची सदर का ये इलाका है, और सामने तकरीबन रीगल तक हम पहुँच गए हैं, और थोड़ा सा ही आगे मोबाइल मार्केट है, वहाँ पर एक सिनेमा हुआ करता था पहले, शायद अब भी है, बेम्बिनो सिनेमा, और उसके साथ ही स्टार सिटी मॉल है मोबाइल मार्केट का, वहाँ पर ये मशहूर है जुम्मा बिरयानी। तो जैसे मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि आज हमारी वो डेस्टिनेशन है, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं इस वक्त। इन ड्राइवर से हमने गाड़ी मंगाई थी और बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सफ़र जा रहा है। ये हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, सर कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी आपने गाड़ी मेंटेन की हुई है।
ये भी आपको बताता चलूं, ये नई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है शहर में ट्रैवल करना हो आपने। रक्शे से मैंने पता किया था, वो जनाब 350 रुपये मांग रहे थे और हमने ऐप के ज़रिए ये बुक कराई तो 300 में हमें एसी वाली नई कार मिल गई। तो बहरहाल कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे जुम्मा बिरयानी, देखते हैं कि अभी मिलने लगी है या जुम्मे के बाद मिलेगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। मोबाइल मार्केट आ गई है, यहाँ से राइट होके लेफ्ट होंगे तो वो आ जाएगी। चले मिलते हैं उधर। फाइनली सदर के स्टार सिटी मॉल में पहुँच गया हूँ, उसके बिल्कुल सामने ये सिनेमा है, बेम्बिनो सिनेमा, और किसी फिल्म का इधर पोस्टर भी लगा हुआ है छोटा सा। ये सामने देगें आ गई हैं जुम्मा बिरयानी की, और लाइन लगी हुई है, टोकन मिल रहा है इधर, और नुमान को मैंने लाइन में लगा दिया है। टोकन ले रहे हो? सही। तो देखें आओ कितना रश है, कुछ ही देर में मिलना शुरू हो जाएगी बिरयानी, तो यही आज हमारा नाश्ता भी होगा। यार भाई मशहूर जुम्मा बिरयानी में हमारे टोकन का नंबर आ गया है, सिंगल प्लेट 230, डबल प्लेट 400। रेल फैनिंग, ज़बरदस्त रेल फैनिंग करने के बाद अब ज़बरदस्त नाश्ता, क्योंकि हम लोग सुबह बगैर कुछ खाए पिए निकले थे, इस वक्त ज़बरदस्त भूख लग रही है। तेज़ी से इधर बिरयानी सर्व होना शुरू हो गई है। फाइनली लाइन में लगने के बाद बिरयानी मिल गई है, और ये आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बीफ बिरयानी है ये, बहुत इसकी तारीफ सुनी है, आज ट्राई भी करते हैं। नमान जी सर, क्या आपके इरादे हैं भाई? बस ये मैं जा रहा हूँ, दोबारा करेंगे। अच्छा, ये देखने में ही लग रहा है हमें, हमारे लिए खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है, ये हमारे लिए कम है। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और मशहूर जुम्मा बिरयानी को टेस्ट करते हैं। गर्मा गर्म थाल। अच्छा ये बता दूं, इधर बैठने की जगह नहीं है, और साथ में जो फुटपाथ वगैरह है वहीं पे बैठ के आपको खानी पड़ती है, चम्मच भी नहीं है, हाथ से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, देख से अभी निकली है। वाइट चावल मैंने पहले खाए, अब मिक्स करता हूँ ज़रा। ये मसाला मिक्स हुआ भाई, ज़बरदस्त। एक एक चावल में जायका है, एक एक चावल में जायका, ज़बरदस्त। तो ये मशहूर जुम्मा बिरयानी मैं अब ट्राई करूँगा कैमरा बंद करके। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी मज़ेदार जुम्मा बिरयानी, जिसके लिए स्पेशली मैं आज इतना ट्रैवल करके आया, और ऐसी लूप बनाई कि रेल फैनिंग भी हो जाए और साथ में फूड भी ट्राई हो जाए। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, काफ़ी इसमें एडवेंचर भी हो गया, एक चीज़ घूमी वो भी मिल गई, साथ में KCR की रेल फैनिंग भी। तो उम्मीद है आपने इस सफ़र को पसंद किया होगा, और साथ ही साथ इस बिरयानी को भी। ऑल्दो टेस्ट मतलब जैसे कराची में मुख्तलिफ बीफ बिरयानी मिलती हैं उस जैसे ही था, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था कि बिल्कुल ही कोई अलग चीज़ हो, लेकिन फिर भी स्टिल बहुत अच्छा, और ख़ास तौर पर जो मसाले वगैरह थे बहुत ही अच्छे थे, स्पाइसी थी, और यही स्पाइसेस मैं लाहौर में मिस करता हूँ, तो इस वजह से फौरन ही कराची पहुँचते साथ ही खाबे शुरू हो जाते हैं। तो साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई जर्नी के साथ हाज़िर होऊंगा। वापसी मेरी लाहौर की आपको बता दूं मंडे, और 17 तारीख होगी अक्टूबर की, और मोस्ट प्रोबेबली 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस से होगी। तो
अगर आप आना चाहते हैं तो कराची कैंट स्टेशन पर मिल सकते हैं। तो अब जुम्मे का वक्त भी होने लगा है, चलता हूँ नमाज अदा करते हैं यहाँ करीबी मस्जिद में और फिर वापस अपने घर की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।